कि सर ग्रीटिंग्स फ्रॉम योर स्टूडेंट फ्रॉम पुणे, हमारा कोई स्टूडेंट है, बायर्स को जब हमारा खुद का और हमारे कंपनी का इंट्रोडक्शन करते हैं तब जेन्यून दिखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है जिससे बायर्स को हम जेन्यून सप्लायर लगे, यानी स्पेसिफिक थिंग्स टू कंसिडर एंड ग्रेट गोइंग। थैंक्स लॉट रोहन जी, नगन सूर्य जी आपने क्वेश्चन पूछा। मैं बताना चाहूँगा जो भी हमारे पार्टिसिपेंट ने आप सब लोगों से गुजारिश है, आपके लिए स्पेसिफिकली हमने आई सपोर्ट की सर्विसेज चालू की है कि जहाँ पे आप आंसर दे सकते हो, आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप 1-to-1 मेंटोर के साथ मिल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके लिए हेल्प डेस्क भी दिया हुआ है जो आपको सपोर्ट करने के लिए है। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा रोज उसका मैं आंसर प्रीफर करूँगा देना भी, क्योंकि जनरल आंसर है कि मैं बायर से अगर बात करता हूँ, किसी भी बायर से बात करता हूँ, तो मुझे बेसिकली अपना इंट्रोडक्शन क्या देना चाहिए। जैसे हम लोग हर बार प्रोग्राम के अंदर बताते हैं, बिफोर टॉकिंग टू द बायर प्रोडक्ट रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू हैव योर प्रॉपर वेबसाइट, यू नीड टू हैव ऑल योर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो गए, वो जहाँ पे भी जो जो बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड हो वो प्रॉपरली आपके डिस्प्ले के अंदर, आपके वेबसाइट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जब भी आप बायर से बात करते हो उसका ग्राउंड वर्क कर लो कि बायर कहाँ कब से है, क्या है, उसकी वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ही बायर से बात करो। जब तक ये ग्राउंड वर्क नहीं होगा, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, आपकी वेबसाइट ही नहीं है, तो बायर आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा। तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है टू हैव अ प्रॉपर वेबसाइट। प्रॉपर वेबसाइट होती है, उसके बाद प्रॉपर सर्टिफिकेट जो भी है, प्लस आपके लोगों को प्रॉपरली प्लेस होने चाहिए, ईमेल जो है प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास आपके प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या हो, कब से हो, क्या हो। जरूरी नहीं हर बार बायर नए पुराने सप्लायर को से ही इंपोर्ट करता है। अगर उसको अच्छी पार्टी लगती है जेन्युइनली यू कैन टेल देम कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं और ये नया करना चाहते हैं, तो बायर इंटरेस्टेड भी रहते हैं। आई एम श्योर रोहन जी आपको आंसर मिला होगा, आपको अच्छा लगता है, प्लीज शेयर कीजिए और एस्टेक आस्क रिप्लाई लिख के क्वेश्चन पूछिए ताकि हम आपको आंसर दे पाए। अगर आपको चैनल अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे।